ओ मेरी सांवरे से मिलने का, भगवान से मिलने का रास्ता बताया भाई मीरा ने, मेरी सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही संग ही बहाना है, सामने से मिलने का। तालियां मीठी मीठी होनी चाहिए भाई, क्या बात है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, सत्संग ही बहाना है, सांवरिया से मिलने का हो सत्संग बहाना है। ये दुनिया वाली क्या जाने, दुनिया वाली क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना सत्संग ही बहाना है। क्या बात है, क्या बात है, तो फिर आ जाओ ना, आ जाओ। ओ सूरज में ढूंढा मुझे, चंदा में ढूंढा है, ठिकाना है सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। देखिए, आप कभी किसी माली के पास जाओ, फूलों की माला जरूर देगा, लेकिन साथ में दो चार कलियां जरूर डालेगा। ये आप कभी भी नोट कर लेना, माली उस फूलों की माला के साथ में दो चार कलियां जरूर डालता है, क्योंकि उसे पता है ये माला तो किसी के भी चढ़ सकती है, लेकिन ये कलियां इस धरती माता पर गिरेगी और धरती माता के कण कण में मेरे प्रभु का निवास है। वो बहुत समझदार, उसको पता है, लेकिन हम उससे भी ज्यादा जानते हैं, कलियों का मतलब नहीं समझ पाते। जबकि मीरा भाई ने कहा कि उन कलियों में मेरे सांवरे का निवास है, तो लिखा, अरे फूलों की कलियों में मेरे श्याम का बसेरा है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहा।
राम का ठिकाना है, सांवरे से मिलने का। वो मेरी गिरधारी से, बनवारी से, सांवरिया से, सांवरिया से मिलने का। सत्संग ही बहाना है। रुक्मण ने पाया है, राधा ने ढूंढा तुझे हो, रुक्मण ने पाया है। ओ मीरा तेरी घट माही, मीरा तेरी घट माही, तेरे शाम का बसेरा है। सत्संग ही बहाना है, कीर्तन ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। बोली सांवरिया सरकार की।